उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। आइए, तो महीनों की तादाद 12 जो है वो 12 यूं की त्यों थी, लेकिन हुआ यह कि उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह उनके जमाने में कमोबेश जो रिवायतों के अंदर अल्फाज है 17 हिजरी थी, हिजरत का 17वां साल 17 हिजरी थी। तो प्रॉब्लम ये होने लगा कि मुस्लिम मुमलिकत और सल्तनत बहुत बढ़ गई, उसके वसत और वसी होने की वजह से अकाउंटिंग वगैरह पूरे अकाउंट रिकॉर्ड कीपिंग जिसको कहते रखा जाने लगा कि ये सूबे से क्या आता है, वो सूबे से क्या आता है, वो एरिया से क्या आ रहा है, ये एरिया से क्या आ रहा है, अकाउंटिंग अकाउंट्स कीपिंग करना पड़ती थी। तो हुआ ये कि अकाउंट्स कीपिंग के लिए लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये जो हम खराज वगैरह जो टैक्सेस वगैरह लगाते हैं इसके लिए कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग मंथ हो और एक एंडिंग मंथ हो ताकि एक शुरुआत हो और एक खात्मा हो जिसकी वजह से टैक्सेशन में आसानी हो। चलिए भाई, एक आदमी ने शव्वाल में कोई चीज लिया तो अगली उसकी जकात कब आने वाली, शव्वाल खत्म होने से पहले उसको देना है, लेकिन कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है। तो राउंड कैलेंडर चल रहा था पूरा, लेकिन कोई स्टार्टिंग डेट मतलब शुरू कहीं से, मतलब जो भी महीने को पहला मान लीजिए, आप सफर को मान लीजिए, मुहर्रम को मान लीजिए, जुल्खुदा को मान लीजिए, जुलहिज्जा को मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, तो एक राउंड था, तो कोई स्टार्ट और एक एंड हो ईयर का। तो उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ने गौर व फिक्र किया और आपने कुछ सहाबा से मशवरा लिया और यह तय किया कि हम मुहर्रम को जो है पहला महीना मान लेंगे, क्योंकि अकाउंट्स कीपिंग में ताकि आसानी हो, मुहर्रम शुरुआत है और ठीक है जुलहिज्जा जो है आखिरी महीना होगा। तो क्यों ये मुहर्रम को उन्होंने फर्स्ट चुना, तो आपने ये सोचा क्यों ना हिजरत से इस्लामी कैलेंडर को शुरू किया जाए, समझ रहे। तो इस्लामी कैलेंडर की खुद शुरुआत अपने आप में एक अजीब चीज है, याद रखिए, जिसके पीछे किसी शख्सियत की पैदाइश, किसी का जीना किसी का मरना नहीं तय किया गया, या किसी की बादशाहत पर बैठना सिंहासन पर चढ़ना या उतरना नहीं तय किया गया, बल्कि एक बहुत ही अजीम मकसद को जो मुसलमानों ने पूरा किया इंसानियत के लिए एक माइलस्टोन था कि वो जो है हिजरत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हक के पैगाम को लेकर आए, जिसके बाद ये पैगाम बहुत फला और फूला और दुनिया तक पहुंचा। तो हिजरत जिसको कहते हैं, हिजरा जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर, याद रखिए जो माइग्रेशन था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो तय किया कि यहां करते हैं, तो मुहर्रम को हम चुन लेते हैं इस्लामी कैलेंडर का पहला साल, और तमाम सहाबा ने इस पर इत्तेफाक। तो यूं ये चालू हो गया पहला महीना, हालांकि तरतीब के एतबार से ये